फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आर्निका मोंटाना होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो हमें हेड टू टो तक बात करेंगे, मतलब सिर से लेके पांव तक के सिम्टम्स की बात करेंगे, इसकी पूरी डिटेल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्निका मोंटाना एक प्लांट से तैयार की गई मेडिसिन है। इसको डॉक्टर हनीमैन ने प्रूव किया था। ये दर्द की बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसके साथ साथ ये ब्लड सर्कुलेशन पर बहुत अच्छा वर्क करती है। आर्निका मोंटाना आप कहीं भी चोट लग गई हो आपको, या कहीं कोई भी अंग आपका दब गया हो या कुचल गया हो, वहाँ नीला पड़ गया हो या ब्लड जम गया हो, तो इसमें बहुत अच्छा वर्क करता है। उसके साथ साथ ब्रीस्ट कंडीशन में बहुत अच्छा वर्क करता है। बड़े फुंसी और खिंचाव तनाव गठिया बात में बहुत अच्छा वर्क करता है। उसके साथ साथ डाइजेशन सिस्टम में भी बहुत अच्छा वर्क करता है। लंग्स की प्रॉब्लम्स में बहुत अच्छा वर्क करता है आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना एक बहुत ही अद्भुत मेडिसिन है। आपके चोट को लेकर या आपके शरीर में दर्द को लेकर, पुराने से पुराने चोट अगर बाद में उभर गए हो, तो आर्निका मोंटाना बहुत अच्छा वर्क करती है और बहुत अद्भुत मेडिसिन है। आप इसको यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा वर्क करेगा और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है आर्निका मोंटाना। कभी भी गिर गए हों, या बचपन में गिरे हों, जवानी में दर्द कर रहा है, या जवानी में गिरे हों बुढ़ापे में दर्द कर रहा है, उसके साथ साथ कभी कभी हवा बहता है, जिसको गाँव में देहात में बोलते हैं, तो उसके कारण आपको दर्द होता है, अकड़न जकड़न सी रहती है, तो आर्निका मोंटाना बहुत अच्छा वर्क करता है। उसके साथ साथ आपको अगर कहीं भी ब्लड क्लॉट हो गया हो, नीला पड़ गया हो चोट के कारण, तो उसमें बहुत अच्छा वर्क करता है आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना का पेशेंट ऐसा होता है कि अगर उसके बॉडी में अगर दर्द है और उसको कोई भी हल्का सा टच कर रहा है, तो वो उसको उसका दर्द बढ़ जाएगा। जैसे आपको आपके पैर में दर्द घाव लगा है, तो आप बिस्तर पर उसको लुटाएंगे तो बिस्तर पर उसको कठोर पत्थर जैसा लगेगा, उसको असहनीय पीड़ा होगी। आर्निका मोंटाना ब्लड सर्कुलेशन में बहुत अच्छा काम करता है, उसके साथ साथ ब्लड प्योरीफायर के रूप में भी बहुत अच्छा वर्क करता है। ब्रेन हेमरेज की कंडीशन में कभी कभी आर्निका बहुत अच्छा वर्क करता है, जैसे कि ब्रेन हेमरेज में ब्लड क्लॉट हो जाता है, तो ब्लड क्लॉटिंग की अच्छी मेडिसिन है आर्निका मोंटाना। आर्निका मोंटाना की चरित्र का लक्षण की बात करें, तो आर्निका मोंटाना लेफ्ट साइड बहुत अच्छा वर्क करती है, मोटे और छोटे आदमियों पर बहुत अच्छा वर्क करता है, पैथोरिक या थुथलेपन जो होते हैं उन पर बहुत अच्छा वर्क करता है आर्निका मोंटाना। उसके साथ साथ ये आर्निका मोंटाना का सिम्टम होता है कि माथा गर्म और शरीर ठंडा, जैसे कि ऐसे आप टच करेंगे तो यहाँ पे हीट होगा, उसके नीचे आता जाएंगे तो यहाँ पे आपको हल्का हल्का ठंडा महसूस होने लगेगा। ये आर्निका मोंटाना के चरित्र का लक्षण है। अब हम बात करेंगे आर्निका मोंटाना के अदर सिम्टम्स के बारे में, जैसे कि हेड टू टो मतलब सिर से लेकर पाँव तक के जितने भी पार्ट होते हैं उसके सिम्टम्स की बात करें। माइंड के सिम्टम्स की बात करें, तो किसी भी बीमारी में रोगी बेहोश हो जाता है और बेहोश में ही वो लैट्रिन कर देता है या पेशाब कर देता है। असहनीय पीड़ा होती है, उसको छूने पर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये आर्निका मोंटाना के माइंड के सिम्टम्स हैं। आर्निका मोंटाना के आई पर कौन सा सिम्टम्स पाया जाता है, तो अगर आपको चोट लग गया आँख में तो डिप्लोपिया जैसे हो जाता है, उसके साथ साथ रेटिना में ब्लड जम जाता है, यानी आँख में ब्लड जम जाता है और आँख लाल पड़ जाती है। उसके साथ साथ लगातार कंप्यूटर या मोबाइल चलाने से आँख में दर्द होने लगता है, और उसके साथ साथ किसी भी आपके कैपिलरी इंजर्ड हो जाती हैं, जिसके कारण ब्लड जम जाता है। कान के सिम्टम्स की बात करें, तो कान से ब्लड आना, चोट लगने के कारण आपका कान से सुनने की क्षमता को कम हो जाना, उसके साथ साथ आपके कान के कार्टिलेज होते हैं, ये सब कार्टिलेज होते हैं उसमें दर्द होना, ये आर्निका मोंटाना के कान के सिम्टम्स हैं। नोज़ की बात करें, तो नोज़ से अगर आपको अचानक से खांसी आ जाए, उसके कारण आपके नाक से ब्लड आए तो, और उसके साथ साथ दर्द हो, तो ये आर्निका मोंटाना के सिम्टम्स हैं। माउथ के सिम्टम्स की बात करें, तो बदबूदार सांस लेना, मुँह सूखा होना, हमेशा प्यास लगी रहना, उसके साथ साथ कड़वा साज होना और मसूड़ों में दर्द होना। स्टमक की बात करें, तो दूध और मांस में अरुचि होना और खून की उल्टी होना, खून की उल्टी के दौरान पेट में दर्द होना, उसके साथ साथ पेट में गैस इकट्ठा होना और लैट्रिन के समय गड़गड़ाहट होना और लैट्रिन के रास्ते आपको पीप या तो फिर ब्लड का आना, ये आर्निका मोंटाना के स्टमक के सिम्टम्स हैं। यूरिन की बात करें, तो यूरिन में दर्दनाक पेशाब होना, वेसिकल डेनिमस मिक्सुरेशन होना। फीमेल्स के सिम्टम्स की बात करें, तो प्रसव के दौरान जो आपके गर्भाशय में चोट लग जाए, उसके दर्द में बहुत अच्छा वर्क करता है। उसके साथ साथ मेल और फीमेल सेक्स के दौरान जो गर्भाशय में चोट हो जाता है और गर्भाशय के द्वारा रक्त स्राव होने लगता है, तो उसमें भी बहुत अच्छा वर्क करता है। आर्निका मोंटाना के रेस्पिरेटरी सिस्टम की सिम्टम्स की बात करें, तो सांस लेने पर घबराहट की आवाज़ आना, उसके साथ साथ सांस में अधिक बदबू रहना और एक्यूट टॉन्सिलाइटिस होना, निमोनिया होना, घड़घड़ाहट की आवाज़ आना, विलाप करने पर खांसी आना, उसके साथ साथ खूनी बलगम हेमोपटाइटिस के साथ सांस लेने में तकलीफ होना, उसके साथ 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 जो हमारी छाती की सभी प्रकार की हड्डियां हैं और कार्टिलेज है उसमें दर्द रहना, ये सब बना रहना आर्निका मोंटाना के सिम्टम्स हैं। आर्निका के हार्ट की सिम्टम्स की बात करें, तो एंजिना पेक्टोरिस डिसीज होना, जिसमें सीने में दर्द और बेचैनी होना, उसके साथ साथ
दर्द जो है कि विशेष रूप से लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड की कुनी में दर्द होता है। उसके साथ पल्स कमजोर होना और पल्स का अनियमित रूप से होना, कभी बढ़ जाना कभी घट जाना, उसके साथ साथ कार्डियक ड्रॉपसी और हाथ पैर फूलना, ये अनिका मोंटाना के हार्ट के सिम्टम्स हैं। स्लिप के सिम्टम्स की बात करें, अनिका मोंटाना के स्लिप के सिम्टम्स की बात करें तो अधिक थकान के कारण नींद न आना, उसके साथ साथ स्वप्न में मृत्यु के स्वप्न देखना और बेचैनी होना, चिंता होना, उसके साथ साथ नींद में पेशाब कर देना, ये अनिका मोंटाना के सिम्टम्स हैं। अनिका मोंटाना के फीवर के सिम्टम्स की बात करें तो ज्वर के लक्षण होना, टाइफाइड होना, कपकप बुखार में कपकपी होना, उसके साथ साथ सिर गर्म होना और लाल होना, सिर के साथ साथ निचला हिस्सा ठंडा होना और ऊपरी हिस्सा गर्म होना, इंटरनल में हीट होना और एक्सटर्नल हाथ पैर ठंडा पड़ा रहना, पसीना होगा वो खट्टा और बदबूदार होगा। अनिका मोंटाना की एंटीडोट की बात करें, मतलब अनिका मोंटाना अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं तो इसके साथ साथ होम्योपैथी की कौन सी मेडिसिन ना लें, तो पहली मेडिसिन है कैम्फर मेडिसिन। अगर आप अनिका मोंटाना यूज़ कर रहे हैं तो कैम्फर मेडिसिन का उपयोग ना करें। दूसरी मेडिसिन है एकोनाइट का भी यूज ना करें। चाइना और आर्सेनिक एल्बम, एग्निसिया और एपिकॉक, अगर आप अरनिका मोंटाना ले रहे हैं तो ये सब दवा ना लें, क्योंकि ये एंटीडोट है, ये आपकी दवा के असर को, क्रियानाशक दवा होती है ये सब, ये आपकी दवा के असर को खत्म कर देंगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।